हाथ से अखंड दिए को साक्षी मानकर हम अपने प्यार का इजहार करते उस काना से जिसे हमने 3 साल पहले ही खो दिया था। सुशील बाबू की बात मान ले, जब बेटियां अपने मन चाहे वर को चुनने की इजाजत मांगती हैं, तो उनके सामने सुशील सिंह जैसे विकल्प रख दिए जाते हैं। हाथ बार पकड़ लिया है तो छोड़ेंगे नहीं। काना, काना गाओ तो। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर आपको हैरानी हो रही है दीदी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम आपकी तकलीफ में हंस रहे हैं। नहीं तारागिनी, तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे की तकलीफ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। जिन आंखों में सालों से नींद नहीं आई, उसमें हंसी कैसे मुस्कुरा सकती है? हम जानते हैं कि तुम्हें हमारा दर्द कितना रुलाता है। हमारी हर अग्नि परीक्षा की चश्मदीद गवाह तुम ही तो रही हो। दर्द भले हमारे दिल में बनता है, लेकिन उसको महसूस तो तुम्हारा दिल ही करता है ना। ये दोनों हमसे हमारी प्रेम कहानी जानना चाहती थी, लेकिन हम इन्हें नहीं बयां कर पाए, हम इन्हें नहीं बता पाए। तरंगी, हमें इतनी हिम्मत नहीं है। दीदी, आपकी प्रेम कहानी हम इनको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमको कान्हा को ढूंढना है। काना हमारे घर आ गया, लेकिन हमारे सामने ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। जानवी रागनी, तुम दोनों जाओ और काना को ढूंढो। काना यहीं कहीं होगा। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बांसुरी की आवाज हमें भी सुनाई दे रही है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तरगिनी, और हमें भी नहीं। लेकिन दीदी, हम दोनों को सुनाई दे रहा है। तो एक काम करो, तुम लोग उस आवाज की ओर जाओ, शायद काना तुम लोग से कुछ कहना चाहता हो। जो प्रेम कहानी गुंजन दीदी तुम लोग से नहीं कह पाई, शायद काना तुम लोग को बता दे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ रागनी, चलो जाओ। दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काना आपके पास ही रहेगा। हम जानते हैं। अच्छा, तो तुम काना हो? बोलो, तुम कान्हा हो? बांसुरी बजाने से हर कोई कान्हा नहीं बन जाता। बोलो, कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे घुस आए?
क्या चोर हो? चोर तो कान्हा जी है ही, माखन चुराते थे, पर ये ना कोई और ही चोर लग रहा है। अरे मुस्कुरा क्यों रहे हो? सच बताओ, नहीं तो हम दोनों मिलकर शोर मचाएंगे, और अगर तरेगनी दीदी आ गई ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। बोलते क्यों नहीं हो? मौन व्रत है। कान्हा अब किसी को नहीं मिलेगा। वो हमें चकमा देकर जा चुका है। आपको? हाँ। तो क्या वो आपका कान्हा था? हाँ, वो ही कान्हा था। आपका कान्हा? हाँ। तो फिर वो आपको देखकर भाग क्यों गया? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम ना उसका कान पकड़ कर ले आएंगे। एक फसली का इंसान तो है। मैं और जानवी उसको लेकर आएंगे और खंबे से बांध देंगे, फिर आपको जो पूछना है पूछ लेना। वो घर में ही छुपा होगा। चल जानवी, चल। मैं वही कान्हा हूँ जो कभी गुज्जर तो कभी सुनैना की जिंदगी में चला आया। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि दोनों बहनों ने मुझसे प्रेम किया, लेकिन कन्हैया नाम होने से मैं कान्हा तो नहीं बन जाता ना। प्यार का पाठ पढ़ाने वाले मुरली मनोहर तो नहीं बन जाऊंगा ना। इसे सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य, मैं गुंजन के लिए भी कान्हा बन गया और सुनैना के लिए भी। दोनों को मुझसे प्रेम हो गया, और मेरे लिए सबसे बड़ी दुविधा कि मैं किसे चाहूं। मुझे तो इन दोनों में से किसी को भी चुनने का हक नहीं, क्योंकि मैं तो एक अदना सा और सुशील सिंह की दया दृष्टि पर जीने वाला एक गरीब इंसान था, और एक गरीब इंसान को प्यार करने का हक तो समाज ही नहीं देता है। दिल में तो ढेर सारा प्यार था, पर इसे ना जाहिर करने की ढेर सारी मजबूरियां। क्या देख रहे हो? हम कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे हैं। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर है, चुपचाप से हमको बता दो, नहीं तो हम अभी जाकर तरेगनी को सब बता देंगे। गुंजन दीदी, thank you.
अपनी प्रेम कहानी को सुनाते सुनाते दर्द और आंसू में डूब गया, क्योंकि मैं इस कहानी को नहीं सुना सकता। प्यार की निर्मम हत्या हुई थी, मुझे जीते जी मार दिया गया और गुंजन को मरने के लिए मजबूर किया गया था। हमारी इस कहानी में दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं इस आधी अधूरी कहानी को बिल्कुल नहीं सुना सकता। तरेगिनी अब हर बिगड़ी को संभालना चाहती है, इसलिए तो सबसे पहले राजकुमार लेकर आए ज्योति को जीवन को संवारने के लिए, और अब मुझे सुनैना और गुंजन की जिंदगी को संवारने के लिए। राजकुमार और ज्योति का मिलन अभी अधूरा ही था, क्योंकि एक स्वतंत्र प्यार को स्वीकारना इतना आसान नहीं है। तरेगिनी चाहती थी कि राजकुमार हर कोई स्वीकारे, समाज, रीति रिवाज और उसके बावजूद हर पल लड़ती थी, जीतना चाहती थी। जीत भी जाएगी पर उसके हिस्से की कड़ी धूप उससे कैसे बच पाएगी, उसे अभी बहुत जलना है क्योंकि बहुत कुछ बदलना है। हम अखंड ज्योति को साक्षी मानकर आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी सारी बहनों की जिंदगी में खुशियां बिखेरेंगे, हम सारी मुश्किलों का सामना करेंगे और इस घर और आंगन को स्वर्ग बनाएंगे। हम जानते हैं कि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हम सारी मुश्किलों से लड़ेंगे और सब कुछ बदल के रख देंगे, क्योंकि अब हम कान्हा को ले आए, क्योंकि कान्हा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अब वो हमें ले आई है कान्हा बना अपनी दुनिया, वो चाहती है कि सबसे पहले हमारी दुविधा खत्म हो जाए, हम ये तय करके बताएं कि हमें किससे मोहब्बत है, गुंजन से कि सुनैना से। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं गुंजन से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता, लेकिन इसका इजहार करना बहुत ही कठिन है। किसी एक के प्यार को पाना दूसरे की नफरत को जीना होगा। दोनों बहनों की जिंदगी में ईर्षा और द्वेष को पलते हुए उम्र भर देखना। तरेगिनी अब इन सबको खत्म करना चाहती है, उसकी ये दुनिया इस आधे अधूरे कहानी को किस अंजाम तक ले जाएगी ये तो अब उसे ही तय करना होगा, क्योंकि मैं अगर इसे अपने तरीके से जीऊंगा तो फिर से इस कहानी का अंत दुखद ही होगा, इसलिए इसे तो तरेगिनी ही तय करेगी। गुंजन और सुनैना के बीच में मैं कब आया, हमारी त्रिकोणीय प्रेम कहानी का दुखद अंत कैसे हुआ, ये ना तो मैं बताऊंगा और ना गुंजन, ये सब कुछ तरेगिनी बताएगी अपने अंदाज से अपनी दुनिया में। दीदी हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। हमको लगता है कि अब कान्हा कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दीदी, वो जरूर आएगा, और आप तो जानती है ना आंख मिचोली तो वो शुरू से ही खेलता रहा है, और पहले भी तो ऐसा करता था, याद है आपको उस दिन वो चोरी छुपे आपको देख रहा था और फिर आप उसके पीछे भागी और फिर वो फिर वो भाग गया था, याद है हमें अच्छी तरह से, गुजरा हुआ हर लम्हा याद है हमें।
याद है हमें, अच्छी तरह से गुजरा हुआ हर लम्हा याद है हमें। लेकिन जब वो आपके सामने आया था तब आपने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया था दीदी? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तारकनी। आपको पता भी है कि क्या हुआ उसके साथ? नहीं, हम आपको बताते। उस दिन कालू अपने हाथ में मुरली मनोहर का लेकर घर के अंदर चुपके से दाखिल हुआ। आप बरामदे में श्रृंगार कर रही थी, खुद चुपचाप आपको देख रहा था और आपका पूरा ध्यान अपने श्रृंगार में था। वो चोरी चोरी आपके रूप को निहार रहा था। फिर अचानक जब आपको एहसास हुआ तो दीदी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही सजने संवरने नहीं लगी है, क्या बात है? और हमें तो लगता है कि चोरी चोरी कोई आपके रूप को भी निहारते रहता है, इसका भी अंदाजा है आपको? ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, ज्यादा दिमाग मत चला, ये सब तो बस ऐसे ही। अरे इतने दिनों से हमने अपने बाल खोल के रखे थे ना, तो सब टूट रहा था, इसलिए बस आज चोटी बना ली, और क्या। यही तो गलती की ना आपने। चलिए खोलिए। अरे खोलिए खोलिए, आपको पता भी है आपके लंबे खुले बाल कितने सुंदर लगते हैं, इसे बस खोले ही रखिए। दीदी, हमें लगता है कि आपके दिल को ना प्रेम छू गया है। मेरा कहने का मतलब है, जब से हमने घर में कान्हा जी को स्थापित किया है तब से आपको ज्यादा ही खुश रहने लगी है। अगर कुछ है तो आप हमें बता सकती हैं? मतलब कोई आपके दिल में छुपके बैठ गया हो, आप बताइए ना, हम जाएंगे उसका कान पकड़ेंगे और बाहर निकाल के ऐसे आपके सामने ले आएंगे। अच्छा जी, बड़ी बहादुर हैं आप। वैसे अगर हमारे दिल में कोई छुपकर बैठा है तो उसको बैठा ही रहने देते हैं ना, बाहर निकालने की जरूरत ही क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, उसे बाहर निकालिए, वो अंदर ही बैठा रहेगा तो उसे कैसे पता चलेगा वो आपके दिल में रहता है? पगली, चल जाए यहाँ से। हाँ हम जाते हैं ना, हम जाते हैं।
तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? बोल क्या कर रहा है? बोल, नहीं मानेगा ना? बता जल्दी। चाचा जी। कौन है? कौन है वहां पर? जो भी है सामने क्यों नहीं आते हो? हमने कहा सामने आओ। वही होगा जो आप चाहते हैं, तो फिर सबकी तकलीफों को आप क्यों नहीं दूर कर देते? हमारी दुनिया में वो सब होगा जो हकीकत में हुआ था, और सुशील सिंह नामक शैतान को ना उसकी खीर की सजा जरूर मिलेगी, और मनी चाचा उन्हें भी अपनी करनी भुगतनी पड़ेगी। सबका हिसाब होगा दीदी, सबका हिसाब होगा।